नमस्कार दोस्तों, नागिन फोर के आज के एपिसोड में आप देखेंगे पारेख परिवार के मना करने पर भी देव पारेख इंडिया आ जाता है और फिर देव पारेख के इंडिया आने की खुशी में पूरा पारेख परिवार देव के लिए एक पार्टी रखता है और उधर दूसरी तरफ नागरानी मान्यता और नयनतारा दोनों पारेख परिवार से बदला लेने के लिए देव को मौत के घाट उतारने के लिए पार्टी में नागिन डांस करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, एक बार डांसर के रूप में नयनतारा पार्टी में जाने वाली है और मौका देखकर देव को डस लेगी। लेकिन दोस्तों, इस बार भी नागिन वृंदा बीच में आ जाती है और यह दूसरी बार होता है जब बार बार बीच में आकर देव की जान बचा लेती है नागिन वृंदा। इसलिए नयनतारा और मान्यता दोनों आपस में विचार करते हैं कि इस वृंदा को रास्ते से हटाना पड़ेगा और वृंदा को अपने रास्ते से हटाने के लिए वृंदा को एक आखिरी चेतावनी देती है। नयनतारा वृंदा से कहती है, पारेख परिवार हमारा दुश्मन है और हम उसे खत्म करेंगे, लेकिन तुम बीच में मत आना। तभी नागरानी वृंदा इसका कारण पूछती है और नागिन नयनतारा सारी कहानी बताती है कि किस तरह 25 साल पहले पारेख खानदान ने मेरे बाबा को धोखे से मार गिरा था और इसलिए मैं 25 साल से मैं और मेरी माँ बदले की आग में जल रहे हैं और जब भी हम हमारा बदला पूरा करने जाते हैं तुम बीच में आ जाती हो। और इसी तरह नयनतारा नागिन वृंदा को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। नयनतारा की कहानी सुनने के बाद नागिन वृंदा को भी एहसास होता है और कहती है, आपके इस इम्तिहान में मैं का साथ दूंगी। और दोस्तों, इस तरह से तीनों नागरानियां एक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में पारेख खानदान पर मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं क्योंकि तीनों नागिनें मिलकर पारेख खानदान को खत्म करने की चाल खेलेगी। और दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि तीनों नागरानी पारेख खानदान से बदला लेने के लिए कौन सी नई चाल चलती है। तो दोस्तों, नागिन फोर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आप हमारी नई अपडेट से कनेक्ट टेड रहे। महादेव।